हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन तिहारी। आइए बनाना शुरू करते हैं। एक खुले मुंह वाले बर्तन में हमने लिया है 3 सर्विंग स्पून भर के ऑयल। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर लूँगी 2 तेज़पत्ता, 5 है लौंग, 4 है हरी इलायची, 1 स्टिक है दालचीनी की, 1/2 छोटा चम्मच है साबुत काली मिर्च और 1 चम्मच है शाही जीरा। इसे ऐड करने के 20 सेकेंड बाद आप ऐड कर लेंगे प्याज स्लाइस किया हुआ। ये 2 मीडियम साइज का प्याज है। प्याज को हमने ब्राउन की तरफ लेकर आना है। प्याज का जो रंग है वो ब्राउन की तरफ होने को आया है। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के है। इसे भी भूनेंगे जब तक इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। साथ ही में ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच है गरम मसाला पाउडर, 2.5 चम्मच है धनिया पाउडर और 2 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर। नमक चला जाएगा इसमें एज़ पर टेस्ट। फ्लेम को करेंगे हम मीडियम पे और सारी चीज़ों को टमाटर के साथ में बहुत अच्छे से भून लेंगे। और जो टमाटर है उसे हमने बिल्कुल ही सॉफ्ट कर देना है। हमारे टमाटर जो हैं वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और साथ में पक भी चुके हैं। किनारों से इधर के तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे चिकन। 1/2 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ इसमें। अब जो है आप फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे इसमें 1/2 कप दही। ऑलरेडी बीट करके रखा हुआ है मैंने इसे। सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। फ्लेम आप फिर से करिए लो और मीडियम के बीच में और चिकन को थोड़ा मसाले के साथ में भुनने दीजिए। तब तक ये थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ करेगा, वो पानी हमने ड्राई कर लेना है। चिकन हमारा जो है वो 10 से 15 मिनट से भुन रहा था। इसका जो पानी निकला था वो भी हमने ड्राई कर लिया। वह दोबारा से तेल जो है वो सरफेस पे आ गया। अब जो है हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास चावल लिए हैं इसके मेजरमेंट से, तो मैं इसी ग्लास के मेजरमेंट से 4 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ और 4 ग्लास के ऊपर मैंने ज़रा सा पानी ऐड किया, तकरीबन इतना। तो आप 4.25 ग्लास जितना पानी ऐड कर लेंगे। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है जिसको बीच में से इसे स्लिट कर लिया है। अब आप जो फ्लेम है वो हाई पे कर लेंगे और इस पानी में जो है वो बॉयल आने देंगे। और इस पॉइंट पे आके जो आप अपना सॉल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। पानी में जो है बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें राइस ऐड कर लेती हूँ। क्वांटिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 2 ग्लास चावल लिया था मैंने। ये बासमती राइस है जिसको मैंने धो करके 1/2 घंटे से भिगोए रखा था। लेकिन आप बहुत ज़ोर से मत हिलाइएगा क्योंकि जो चावल है वो भीगे हुए हैं तो टूट सकते हैं। एक बार अच्छे से स्टर करके इसे ढकेंगे हम। 2-3 मिनट में चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे से स्टर कर सकते हैं ताकि ये लगे नहीं। फ्लेम आपका मीडियम और हाई के बीच में रहेगा। चावल का जो है वो पानी पूरी तरह से सूख चुका है और इसे ड्राई करने में हमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे हैं। अब आप जो है फ्लेम बिल्कुल ही लो करके इसे ढक के दम देंगे, या तो किसी तवे को नीचे रखेंगे और इसे कवर करेंगे और दम देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो रेडी है हमारी चिकन तिहारी। ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।